हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस लॉकडाउन के समय में जो भी आपको टाइम मिला है, आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का, 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सर ऑलरेडी एक वीडियो में आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें कि सर आपको मैंने बेसिक बताया था। सर मैंने आप उस वीडियो में आपसे मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था, और जो हमारी मार्किंग स्कीम रहने वाली है क्लास 12th की, सर मैंने आपसे वो भी डिस्कस किया था। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है, सर मैंने आपसे वो भी उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको उसमें ये भी आपको सलाह दी थी कि सर हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, सर कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जैसे कि बेटा, मैंने आपको सलाह दी थी कि अगर आप आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सर अगर आप संदीप गर्ग की बुक परचेज करोगे तो सर मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगी। बाकी तो प्यारे बच्चों, मैं तो जो आपको पढ़ाऊंगा वो जो मेरे द्वारा बच्चों को लिखाए गए नोट्स हैं उससे पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि सर मैं आपके लिए अगला लेक्चर अपलोड करूंगा, जो टाइम से नहीं कर पाया उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, पर उम्मीद करता हूँ आपको डेली के एक ना एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। वैसे तो हमारे पास दो बुक्स हैं, एक इंडियन इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर प्यारे बच्चों बात करेंगे आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों टॉपिक नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं यूनिट फर्स्ट। जो बेटा यूनिट फर्स्ट है हमारे पास, यूनिट फर्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास है नेशनल इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। पर बेटा इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है ना, क्योंकि मैंने कहा था नेशनल इनकम एक यूनिट है, पर इसको कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका हमारा जो पहला यूनिट है वो प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इसका बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, हमारे पास फर्स्ट यूनिट है वो, उसको हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रभाव। बिल्कुल, आय का चक्रीय प्रभाव। बच्चों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, क्योंकि हमसे काफ़ी हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करूंगा मैं कि हिंदी में भी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। बाकी मैंने आपको बताया था कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सर जो भी मेरे नोट्स हैं सर आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, PDF के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो चलिए सर बात करते हैं क्या कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या? सर बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, सर आय का चक्रीय प्रभाव है क्या। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, फिर शाम को घर में वापस आते हैं, सुबह सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, फिर सर शाम के 8 बजे 9 बजे वापस आते हैं। क्यों? सर पैसा कमाने के लिए। तो सर कहीं ना कहीं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये पैसे की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मेनली बात, मतलब बात इसमें गुड्स की भी है, पर कहीं ना कहीं लिखा है ना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम मतलब पैसा। अब देखो बेटा ये होता है क्या, अगर मैं आम भाषा में समझाऊं, देखो बच्चों मान लो अगर आपके पिताजी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है सर, आपके पापा ने क्या किया सर, कहीं मान के चलो सर वो किस, हमने मान लिया कि सर किसी कंपनी के आपके पिताजी मान लो सर एक अकाउंटेंट है, सर क्या एक आपके पापा का एक अकाउंटेंट है। अगर सर आपके पिताजी अकाउंटेंट हैं तो अगर कहीं पर जॉब करते हैं या किसी फर्म में जॉब करते हैं, मान लो ये किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं सर पिताजी, तो सर वहाँ पर आपके पिताजी ने उस कंपनी के लिए जॉब किया, उस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड की, तो आपके पिताजी ने उस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड की ना, ठीक है, आपके पिताजी ने सर कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की, सर्विस आपके पिताजी ने कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की, तो आपके पिताजी को सर क्या मिला, इनकम मिला, है ना। मतलब आपके पिताजी ने सर्विस प्रोवाइड की, वहां पर सर्विस प्रोवाइड की तो बेटा आपके पिताजी को क्या मिला, इनकम मिला।
इनका मिला, मतलब आपके पिताजी ने कुछ कंपनी के लोगों कुछ काम किया, उसका ऑडिट किया, उनका हिसाब किताब लगाया, है ना। तो सर आपके पिताजी को बदले में क्या मिला? इनकम मिला। आपके पिताजी को इनकम मिला, ये इनकम किसने दिया? ये इनकम कंपनी ने आपके पिताजी को दिया। ये इनकम कंपनी ने आपके पिताजी को दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपके पिताजी ने कंपनी के लिए कुछ काम किया था और कंपनी ने आपके पिताजी को इनकम दे दिया बदले में। फिर ये जो इनकम है, ये इनकम आपके पिताजी के पास आएगी। अगर आपके पिताजी के पास आएगी तो जाहिर सी बात है आपके माताजी के पास भी आएगी, है ना। क्योंकि जो माताजी होती है, हमारी माँ होती है, तो वो एक क्या होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना। जिस घर का जो सारा हिसाब किताब लगाना होता है, आपके ट्यूशन का फीस, बच्चों को स्कूल का फीस, घर का जो तमाम खर्चे होते हैं वो मम्मी उठाती है। वो जो इनकम होगा, वो इनकम क्या होगा, मम्मी के पास आएगी। मम्मी सर उस इनकम को अलग अलग जगह खर्च करेगी। मम्मी की सर क्या करेगी, उस इनकम को अलग अलग जगह खर्च करेगी। तो मम्मी ने वो सर वो इनकम अलग अलग जगह खर्च किया, है ना। सर मम्मी ने वो इनकम खर्च किया, मान के चलो कि बाय द वे बच्चों को ट्यूशन ट्यूशन फीस पे खर्च किया, स्कूल फीस पे खर्च किया, मम्मी ने सर वो इनकम खर्च किया, कुछ शॉपिंग की मम्मी ने, ठीक है, या आप लोगों के लिए मम्मी ने कुछ कपड़े खरीदे, या कुछ पैसा हो सकता सर बैंक में रख दिया होगा। तो कहीं ना कहीं सर आप क्या देख रहे हो, पापा ने इनकम कमाया, कंपनी ने उनका इनकम दी, मम्मी ने वो इनकम खर्च कर दी। पापा ने इनकम कमाया, पापा ने अब कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड की। सर्विस प्रोवाइड करने के बदले आपके पिताजी को इनकम मिला, उस इनकम को आपके पिताजी ने खर्च किया, या आपके माताजी ने खर्च किया, या आपने खर्च किया। तो कहीं ना कहीं सर क्या देख रहे हैं, इनकम पैदा हो रही है, इनकम पैदा हो रही है, फिर बांटी जा रही है, फिर खर्च की जा रही है। इनकम पैदा हो रही है, इनकम पैदा पैदा करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। इनकम पैदा की जा रही है, फिर इनकम इनकम को बांटा जा रहा है, इनकम को खर्च किया जा रहा है। पैदा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, खर्च किया, पैदा किया, बांटा, खर्च किया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना सर, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को घुमा फिरा के क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हिंदी में बोलते हैं आय का चक्रीय प्रभाव। बस इतना ही मतलब बेटा। देखो तो डेफिनेशन तो बहुत लंबी होगी, पर सिंपल वर्ड में समझाने की बात है मेरी ये है, ठीक है। अगर यहां से नहीं समझे तो एक और एग्जांपल समझ लो, ठीक है। यहां पर मैं बात करता हूं कि मान लो कोई मजदूर है, ठीक है सर, मान लो एक मजदूर है, ठीक है, एक मजदूर हम मान लिया हमने, ठीक है, वो किसी कंपनी में काम करता है। तो सर वहां पर मान के चलो जो काम करता है ना, तो सर मजदूर काम करता है, तो मान लो कोई जूते बनाता है, तो सर मजदूर ने क्या बनाए, जूते। सर मजदूर ने जूते बनाए, जूते तो उसने बनाए हैं, पर जूते तो उसने कंपनी के लिए बनाए हैं, पर साथ साथ तो उसने पैसा भी तो पैदा किया है। जब जूते बनाएगा तो पैसा, जूते बेचने के बाद कंपनी को तो पैसा मिलेगा भाई। तो कंपनी ने मजदूर ने जूते बनाए, तो कहीं सर पैसा नहीं, इनकम पैदा कर रहा है वो, इनकम पैदा कर रहा है, इनकम पैदा कर रहा है। कैसे इनकम पैदा कर रहा है? अरे क्योंकि जूते बेचने के बाद कंपनी को पैसा मिलेगा, तो इनकम पैदा कर रहा है। आप ठीक है, मजदूर ने कंपनी के जूते बनाए, जो कंपनी होगी वो मजदूर को, कंपनी मज है ना, कंपनी सर मजदूर को क्या देगी, इनकम देगी, यानी सैलरी देगी, उसका भाड़ा देगी, उसका क्या देगी, भाड़ा, है ना। बेचारे ने वहां काम किया है कंपनी में, जूते बनाने कंपनी में काम किया है, तो जूते बनाने सर कंपनी क्या करेगी, उसको मजदूरी देगी, मजदूर को भाड़ा देगी। फिर मजदूर क्या करेगा, फिर मजदूर क्या करेगा बेटा, मान लो मजदूर ने क्या किया, मजदूर को पैसे मिले, ठीक है। तो बेचारा मजदूर ने क्या किया, मान के चलो कि पैसे अपनी बीवी को दिए, और उसकी बीवी ने कहा, यार मुझे तो अपने बच्चे के लिए क्या लाने हैं, जूते लाने हैं, क्या लाने हैं, जूते लाने। तो उस मजदूर की बीवी को अपने बच्चे के लिए क्या लाने थे, जूते लाने थे। उसने क्या किया सर, वो जूते लाने गया, और कौन सी कंपनी के जूते खरीदे, यही कंपनी के जूते खरीदे। मान लो ये जो जूते वाली कंपनी ना, मान लो बेटा मैंने मान लिया ये जूते वाले बहुत सारी कंपनियां, मान लो है ना, आजकल बहुत सारी कंपनियां चल रही है, ये बाटा वाली कंपनी कोई, मतलब बाटा कंपनी के जूते खरीदने थे, किसको, मजदूर के बेटे को बाटा कंपनी के जूते खरीदने थे। तो क्या हुआ, जो मजदूर का बेटा था वहां पर नियरेस्ट बाटा का कोई शोरूम था, वहां पर गया, उसने वो पैसा वहां खर्च कर दिया। आप क्या देख रहे हो, मजदूर गया, मजदूर ने कंपनी में जॉब किया, कंपनी वहां जूते बनाए, जूते वाले कंपनी ने मजदूर को पैसे दिए, उस पैसे से मजदूर के बेटे ने क्या किया, वही जूते खरीदे।
सर आप क्या देख रहे हो, जहां से पैसा बना दोबारा वही खर्च हो रहा है, जहां से पैसा बना दोबारा वही खर्च हो रहा है। तो घुमा फिरा के जो पैसा खर्च हो रहा है ना सर, सर कहीं ना कहीं इसे क्या बोलेंगे, सर कहीं ना कहीं इसे बोलेंगे सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी आय का चक्रीय प्रभाव। ठीक है, इसे बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रभाव। तो इसका मैं एक और छोटा एग्जाम्पल मान सकता हूँ। जैसे बेटा मान के चलो बेटा कि मैं हमारे कोचिंग सेंटर से, ठीक है, हमारे कोई सफाई वाली आंटी काम करती है, ठीक है। अब आंटी यहाँ काम करती है, आंटी ने यहाँ पैसे कमाए, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, मान के चलो कि आंटी को मैं मान लो 5,000 रुपये देता हूँ, और मान लो कोई जो सफाई वाली आंटी है उनका बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया, तो उस जो पैसा आंटी मेरे से कमा के ले गई थी, दोबारा आंटी ने वो पैसा क्या हुआ मुझे दे दिया। मुझे क्यों, आंटी का पैसा मेरे पास क्यों आया, क्योंकि सर आंटी का बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, तो मेरे द्वारा उनको दिया गया पैसा दोबारा मेरे पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय का चक्रीय प्रभाव का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको ना थोड़े से एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं ना क्या बोल रहा है ये। देखो बेटा अगर थोड़ा इसको देखें कि इट रेफर टू साइक्लिक जनरेशन ऑफ इनकम, इट रेफर टू साइक्लिक जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। करें कि इसका अभिप्राय यह है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनकम का जनरेशन होता है उससे इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सर इसका मतलब क्या बोलना है, करें कि इट रेफर टू साइक्लिक जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम पैदा हो रही है, कैसे पैदा हो रही है, मैंने कहा ना कि मजदूर कहाँ काम कर रहा है, मजदूर जूते बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था, तो सर वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर इनकम का जनरेशन कर रहा था इन प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। तो जूते बना रहा है, तो जूते बनाने साथ साथ क्या कर रहा हो, पैसे भी तो कमा रहा है, मतलब पैसे भी तो कंपनी के लिए पैसा बना रहा हो, कंपनी के लिए पैसे बना रहा है, कंपनी की इनकम बढ़ा रहा हो। ठीक है सर, एंड एट इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर वो मजदूर कंपनी के लिए जूते बनाएगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो क्या करेगा कंपनी उस मजदूर को बेटा क्या देगी, सैलरी देगी, है ना। इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिन जिन चीजों की हेल्प से वो जूते बन रहे होंगे कंपनी उनको उनको पैसा देगी ना वापस देगी सर, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब अभी इस पाएंगे बेटा ना, फैक्टर मतलब होता है ना, फैक्टर मतलब होता है कारक, है ना। और आप लोग जानते हो कि जैसे कि कोई भी अगर प्रोडक्शन करना है, अगर कोई उत्पादन करना है, उसके लिए चार चीजें चाहिए होती है सर, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, ये फैक्टर्स है। तो अगर कोई मजदूर ने वहां पर काम किया, उसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस चीज का, पैसे का यार, किनके बीच, कंपनी किनको पैसा बांटेगी, जो लेबर्स लगे हुए हैं, जो मशीनें लगे हुए हैं, और साथ साथ कंपनी किसको पैसा देगी। अरे भाई जरूरी तो नहीं है कि जिस कंपनी में कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसकी अपनी जमीन हो। पता लगा कि जिस जमीन पे वो उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है वो किराए पे हो सकता है कंपनी महीने का 50,000 का किराया देती है, किस चीज़ का, जहाँ पर जूते बनाती है। तो सर क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को जो उस जमीन का मालिक होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, 50,000 का रेंट देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लैंड भी क्या है, फैक्टर है ना। मतलब कंपनी क्या करेगी, जो जो चीज़ें प्रोडक्शन बनाने में हेल्प कर रही होगी कंपनी उनको पैसा बांटेगी ना, क्योंकि उनकी हेल्प से, क्योंकि उन चीजों की हेल्प से तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो प्रोडक्शन फैक्टर्स, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, मैंने कहा बेटा कि इट रेफर टू जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि इनकम का जनरेशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पैसा बांटा जा रहा है, किस किस को पैसा बांटा जा रहा है, लेबर को पैसा बांटा जा रहा है, और किसको पैसा मिल रहा है, और मिल रहा है जो जमीन का मालिक है उसको पैसा मिलेगा, और किसको मिलेगा, और मिलेगा मालिक को पैसा मिलेगा। ठीक है, एंड फाइनली सर्कुलेशन ऑन द फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अरे बाद में क्या होगा, जब जब वो पैसा मजदूर को मिल जाता मान लो, तो हम लोग हो चाहे मजदूर हैं, दोबारा उसी पैसे से उन चीजों को खरीदते हैं जिन्हें कौन बनाता है, जिन्हें कंपनी बनाती है, जिन्हें फर्म बनाती है। मैंने एग्जांपल दिया ना अभी आपको, अरे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैंने एग्जांपल किस चीज का दिया अभी आपको, मैंने कहा था ना अभी जैसे कि सर जो मजदूर ने जो पैसा कमा के लाया था वो घर में लाया था,
उसने अपने बच्चे को पैसे दिए, फिर मजदूर को बच्चे ने क्या किया, उसी पैसे से वही जूते खरीदे। यानी कि कंपनी जो चीज बना रही है दोबारा से घूम फिर कर उसी चीज पर पैसा खर्च हो जा रहा है ना। ठीक है, फाइनली इट सर्कुलेशन ऑन द फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी कि जो जिस पैसे की शुरुआत कंपनी से हुई थी, फर्म से हुई थी, दोबारा घूम फिर कर वही वो पैसा कहाँ गया, दोबारा फर्म के पास ही आ गया। जो पैसा फर्म ने बांटा था किसी फैक्ट्री ने बांटी थी, दोबारा वही पैसा क्या आ गया, फैक्ट्री के पास आ गया। ठीक है, फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस बाय द फर्म, है ना, ऑन द, ये लिखा ना लास्ट टू तीसरा स्टेप है, फाइनली इट सर्कुलेशन ऑन द फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस ऑफ द प्रोडक्शन बाय द देम। चलिए लास्ट लाइन का मतलब क्या है, अरे इसका मतलब ये बोल रहा भाई कि जो जिन जिन चीजों को कंपनी बनाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब ये है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने कहा था ना, इसका मतलब देखो है तो छोटा पर डेफिनेशन तो इसको लंबा लग रहा है। तो उसने तीन चीजें बोली हुई है इसमें, क्या बोली हुई है कि पहले कह रहे कि पहले इनकम पैदा किया जाता है, फिर उस इनकम को फैक्टर्स को बांटा जाता है। फैक्टर्स मतलब जो जो चीजें उस वस्तु को बनाने में लगी होंगी, और फिर क्या करते हैं हम लोग दोबारा उसी पैसे को उन्हीं गुड्स को खरीदने में लगा देते हैं। ठीक है सर, ये हमारा ये डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि देर आर थ्री फेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। जो इनकम का फ्लो होता है उसके तीन फेस है। जो इनकम का फ्लो होता है उसको बेटा क्या किया गया है, तीन फेस में बांटा गया है। ठीक है, तीन फेज से बांटने से पहले ना आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो तीन फेज है वही तीनों फेज यहाँ पर है। ठीक है, उन तीनों फेज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपको मैं यहाँ पर बता दूँ सीधा एक छोटे से टॉपिक्स में। देखो बेटा वो तीन फेज कौन से होते हैं, ध्यान रखना इस इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आएगा तीन नंबर का कि कितने फेज है इनकम के, है ना। हमारे जो इन जो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, उसके कितने चरण होते हैं सर, उसके तीन चरण हैं, एक जनरेशन फॉर्म, एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, एक को बोलते हैं डिस्पोजिशन फॉर्म। यानी कि हिंदी में जनरेशन फेज को बोल सकते, जनरेशन फेज को इंग्लिश में और नाम से जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ इनकम, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आय का क्या सर आय का उत्पादन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी वितरण इसको बोलते हैं वितरण अवस्था, वितरण का बोल सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इनकम फेज, यानी कि हिंदी में और इनकम फेज बोले तो आय अवस्था, आय। और डिस्पोजिशन यानी एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि इसको बोलते प्रबंध बोल सकते हैं, यानी खर्चा जो हमें दिया गया बेटा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मेरे पास हिंदी के भी नोट्स हैं, मैं हिंदी के भी नोट्स बेटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सर हमारे साथ बना रहना है, जब तक सर ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक सर आपको हमारी तरफ से क्लासें मिलती रहेगी, ये सर हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, चलो बेटा ये आधा सर इस पर आते सर तीन फेज कौन कौन सी है। दो बच्चों जैसे लिखा है कि प्रोडक्शन फेज, यहाँ लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ इनकम, यानी इस फेज को बोला जाता है जनरेशन फेज। क्या बोला जाता है, जनरेशन फेज। अब होता है क्या इसमें, प्रोडक्शन ऑफ इनकम, हिंदी में मैंने कहा था इसको हम बोल सकते हैं कि क्या सर, जनरेशन फेज मतलब कि इसको बोल सकते हैं जनन अवस्था, है ना, यदि या आम भाषा उसको बोलो उत्पादन अवस्था। ठीक है सर, प्रोडक्शन ऑफ इनकम का मतलब है क्या सर यहाँ पर। तो बेटा मैंने आपको कहा था ना कि जो पहला फेज होता है, कि सबसे पहले होता है क्या प्यारे बच्चों, कि जो भी कंपनी होती है, जो भी कोई फर्म है, ठीक है, उस फर्म को सर क्या चाहिए होते हैं, उस फर्म को सर क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। सर कोई फर्म है अगर मुझे किसी भी आदमी को कुछ बनाना है, उसे क्या चाहिए सर, फैक्टर। उसे क्या चाहिए सर, फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर। फैक्टर बोले तो कारक, क्या चाहिए, कारक। सर ये फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये फैक्टर एक होगा लैंड, एक होगा लेबर, एक होगा कैपिटल, एक होगा कैपिटल, और एक होगा एंटरप्रेन्योर। चार चीज़ होंगे बेटा, अगर किसी भी कंपनी को कोई प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, चार फैक्टर चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हिंदी वाले बच्चे सुन लो, यानी कि सर भूमि, श्रमिक,
पूंजी और उद्यमी, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये चार चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फर्म को ये चारों चीज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि बेटा मान के चलो मेरा कोचिंग सेंटर से मुझे यहाँ ट्यूशन पढ़ाना है, तो सर मुझे ये जो चीजें दे रहा है, ये चीजें, ये जमीन है ना, मैं जमीन जो कहीं ना कहीं से मकान, इस मकान में पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कोचिंग सेंटर से कोई हाउस है, ये कोई मकान अपना में, ठीक है, तो कहीं ये मकान किसके ऊपर बना है, जमीन के ऊपर बना है, ठीक है, और ये जमीन मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड, कौन सर, हाउस होल्ड सर, इसको बोलते हैं गृहिणी, क्या बोलते हैं गृहिणी। ध्यान देखना ये चीज अपने माइंड में घुसेड़ लो आप, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये तो चार फैक्टर्स होते हैं, ये कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब गृहिणी, हाउस होल्ड मतलब हमारी मम्मी प्रोवाइड करती है, अरे मतलब तुम्हारी मम्मी, सबकी मम्मी, पापा मम्मी, सब हाउस होल्ड में आ जाता है ना, मतलब ये जो हम लोग हैं ना, ये हम लोग हाउस होल्ड ही हैं, हम सब लोग किसमें हैं, हाउस होल्ड में ही आते हैं, है ना। मतलब जब मतलब किसी भी चीज, इंसान को कुछ भी चीज अगर चाहिए वो कहाँ से लेगा, वो प्रकृति से लेगा, तो हम लोग भी प्रकृति का हिस्सा है ना, तो हम लोग हाउस होल्ड में आते हैं। मतलब अगर यार लेबर चाहिए किसी, अगर मान के चलो कोई एक एक्स वाई जेड कंपनी है, उसे कुछ अपना एक एक उसको यहाँ फ्लैट बनाने हैं, बिल्डिंग बनाने हैं, वो लेबर कहाँ से लेगा, हमारे यहाँ से, हम में से कोई मजदूर होगा उनमें से, हमारे पापा होंगे, हमारे भाई होंगे, है ना, हमारे कोई जानने वाला, वो वही तो मजदूर करेगा सर, ये लेबर यहाँ से लेगा, ठीक है, उसको सर क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, उसे फ्लैट बनाने, तो हम में से किसी, हमारे भाई ने, किसी त्यागी भाई ने अपनी जमीन बेची होगी, वहीं पर तो मकान बनाएगा ना वो, ठीक है सर, लैंड में हमसे ही लेगा वो, पैसा चाहिए उसको सर, पैसा क्या करेगा, किसी बैंक से पैसा मांगेगा, हमसे कहीं कर्जा लेगा, तब जाकर बिल्डिंग बनाएगा, उसको एंटरप्रेन्योर चाहिए, मतलब मालिक, तो मालिक, मालिक कौन होगा, हम में से तो होगा, तो फर्म को जो भी कुछ चीज चाहिए होता है वो कहां से मांगता है, हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड में क्या आता है, हम सब आते हैं सर, हम सब आते हैं हाउस होल्ड में, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो कहां से मिलता है उसको, हाउस होल्ड से, ये कहां से मिलते हैं, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब सर ग्रेनिट से मिलते हैं, ठीक है, अब सर ये समझ गए, क्योंकि सर यहां पर आने से पहले ना ये चीजें समझना आवश्यक है, वो जो आपको चार चीजें सर बता रहा था, ठीक है। अब देखा बेटा, तो मैंने कहा जो प्रोडक्शन करने के चार फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, तो पहला फेस है वो, उसको बोलते हैं जनरेशन फेस। सर जनरेशन फेस में क्या होता है कि सर सिंपल सा प्रोडक्शन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन क्या जाएगा, बस लिखा भी है ना कि प्रोडक्शन ऑफ इनकम, यानी प्रोडक्शन किया जाएगा, और जब प्रोडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इनकम बनेगा। सर क्या लिखा है कि जनरेशन फेज, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, सिंपल है सर, इस फेज में क्या होगा, मतलब जो इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, मतलब इस फेज में सर फर्म क्या करती है, क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस बनाती है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, फैक्टर की हेल्प से, किसकी सहायता से, कारकों की सहायता से। सर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यही तो फैक्टर्स हैं, कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सर यही तो फैक्टर्स हैं, इनके हेल्प से करता है। देखो बच्चों, जैसे ना हमारा जो लाइफ होती है उसके चार, तीन चार फेस होते हैं, कैसे, एक फेस आते हैं उसे बोलते हैं सेस, सेस अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं कि इन्फेंस स्टेज, जो होती है 0 से 2 साल की, फिर आते हैं हम बाल्यावस्था में, यानी कि चाइल्डहुड में, जिसको हम बोलते हैं, यानी सर 3 साल से लगभग 10 या 12 साल तक, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सर अडल्टहुड, उसको बोल सकते हैं, जिसमें हम एकदम तूफान हो जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है ना, एकदम मारा पीटी चालू कर देते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, गाली दे दी, मारा पीटा चालू कर देते हैं, एकदम इसको कहा जाता है तूफान की अवस्था, है ना, हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है बस, जो हमारी तीसरी एज आती है ना हमारी, जो हमारे चलती है 12 से लगभग लगभग बेटा 18-19 साल तक, जिसको बोलते हैं अडल्ट एज, यानी कि उसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं सर किशोर अवस्था, ठीक है, और उसके बाद एक जो एज आती है, ठीक है, बाद की एज जो फोर्थ स्टेज है हमारे पास, जो 19 के बाद आती है हमारे पास, है ना, वो जो एज आती है बेटा, तो चौथी एज है, चार स्टेज है, ऐसे प्रोडक्शन करने के चार स्टेज है। पहला स्टेज कौन सा है, जनरेशन फेज, जनरेशन के फेज को क्या बोल सकते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ इनकम, यहां पर क्या होता है सर, यहां पर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, फैक्टर की हेल्प
हेल्प से, यानी कि जो हमारी उत्पादन अवस्था है उसमें क्या होता है, उत्पादन अवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है किसकी सहायता से, कारकों की सहायता से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अगला फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि इसको बोल सकते हैं वितरण अवस्था। डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी वितरण अवस्था, और इसके नाम से बोलते हैं इनकम फेज। क्या बोल सकते हैं इसको, इनकम फेज। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, इनकम फेज। यहां पर प्रोडक्शन ऑफ इनकम, इनकम पैदा हो रहा था, यहां पर इनकम बांटा जाएगा। मतलब क्या होगा, यहां तो हमने कंपनी के लिए प्रोडक्शन किया, यानी इनकम वस्तु भी बना रहे हैं, इनकम भी बना रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी वितरण फेज में क्या होगा कि कंपनी हमें पैसा बांटेगी, कंपनी हमें पैसा देगी। क्यों पैसा देगी, क्यों, हमने कंपनी के लिए काम किया है, हमने कंपनी के लिए मजदूरी की है, हमारी मेहनत का हमें रिवार्ड मिलेगा। कौन देगी, कंपनी। क्यों देगी, क्यों, हमने कंपनी के लिए क्या किया सर, उसके लिए हमने प्रोडक्शन किया है। तो जनरेशन फेज में गुड सर्विस बनाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, इनकम को बांटा जाता है। किस इनकम को बांटा, किसको बांटा जाता है, फैक्टर्स को। ठीक है, तो दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। देखो सर एक चीज आ रहा है, फैक्टर इनकम इसको बोलते हैं कारक आय, इसको बोलते हैं कारक आय। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या है बेटा, मैंने कहा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, एंटरप्रेन्योर। सर ये प्रोडक्शन करने के चार बड़े फैक्टर्स होते हैं, उत्पादन करने के चार कारक होते हैं। लैंड को अगर जमीन के मालिक को, मैंने अगर मैंने किराया ली, ये मान लो ये मेरा त्यागी फार्म हाउस के सामने मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, त्यागी फार्म हाउस के सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, ये रक्कू भाई का है, रक्कू भाई को मैं क्या देता हूँ बदले में, उसको देता हूँ मैं जमीन का किराया देता हूँ मैं, तो सर लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। जमीन अगर मैं किसी के जमीन किराए पर दे रहा हूँ उसमें बदले में क्या दूंगा, किराया। लेबर बदले में क्या लेता है सर, वो लेता है वेजेस। सर कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और जो मालिक होता है उसी का मिलता है प्रॉफिट। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्या सर, रेंट को सर किराया, इसे क्या बोलते हैं सर, भाड़ा मजदूरी बोल सकते हैं, मजदूरी, इसे ब्याज बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाभ, बोलते हैं क्या, बोलते हैं लाभ। तो सर ये जो इस, ये जो मेरे पास ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है सर, हमारा ये फैक्टर पेमेंट है सर, ये क्या हमारा फैक्टर पेमेंट, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं फैक्टर इनकम। यानी कि देखो बेटा हम लोगों के लिए तो ये फैक्टर इनकम है, पर क्यों, कंपनी दे रही है, कंपनी पेमेंट कर रही है, कंपनी के लिए फैक्टर पेमेंट है और हमारे लिए फैक्टर इनकम, ये हमें मिल रही है ना बेटा, बिल्कुल। तो सर फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम होती क्या है सर, जो फैक्टर्स होते हैं उनको उनके मेहनत का बदले, सर जो फैक्टर्स होते हैं, सर जो फैक्टर्स होते हैं उनको उनके मेहनत का बदले जो रिवार्ड दिया जाता है, सर फैक्टर्स को उनके मेहनत के बदले जो रिवार्ड दिया जाता है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। यानी कि इसको और दोबारा बोल सकता हूं मैं, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको रिवार्ड मिलता है, क्यों रिवार्ड मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर मैं इसको एकदम सिंपली भाषा में समझाऊं तो वैसे बेटा फैक्टर, जो फैक्टर इनकम है इसके डेवलप आगे पढ़ेंगे हम, प्रॉपर सब समझाऊंगा लिखाऊंगा मैं, पर यहाँ समझ लो, यानी कि जो प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, उनको रिवार्ड मिलता है, क्यों रिवार्ड मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन करने में सर क्या किया, अपनी हेल्प की है। ठीक है, इनके बदले तो हम सर क्या कर सकते हैं, इनके बदले तो उत्पादन कर ही नहीं सकते, इनके बदले तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, तो इनके बदले जो मिलता है इस सबको क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम यानी कारक आय। जनरेशन फेज में गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये चीज बांटा जाता है, क्या क्या बांटा जाता है, रेंट किसको मिलता है, जमीन के मालिक को, वेजेस किसको मिलता है, मजदूर को, इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को, और प्रॉफिट किसको मिलता है, मालिक को, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो इनकम फेज में क्या होता है, गुड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि किसके हेल्प से, प्रोडक्शन के हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में यानी कि वितरण अवस्था में क्या होता है सर, फैक्टर को जो फैक्टर इनकम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
डिस्पोजिशन किसको किया जाता है, फैक्टर्स को किया जाता है। ठीक है, अगला है डिस्पोजिशन फेस। डिस्पोजिशन मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हैं, अगला डिस्पोजिशन यानी एक्सपेंडिचर फेस, आम भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर फेस। मतलब आप समझ गए कि हम लोगों को जो पैसा मिला, हम लोग उस पैसे को खर्च कर देंगे और पैसा क्या होगा, दोबारा से कंपनी के पास वापस चले जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि अगर एक मजदूर किसी जूते बनाने वाली कंपनी में काम करता है और फिर दोबारा से वो पैसा, उस मजदूर का पैसा पैसा वो जब वो मजदूर वहां से उसको सैलरी मिलती है और उस मजदूर का बच्चा उस पैसे से क्या करता है, दोबारा से वही जूते खरीद लेता है। तो घुमा फिरा को पैसा कहाँ आ गया, किसके पास आ गया, वो कंपनी के पास आ गया। तो मतलब डिस्पोजिशन फेस में क्या होता है कि हमारे द्वारा जो कमाया गया पैसा होता है, हम उस पैसे को जब दोबारा खर्च करते हैं और वो पैसा दोबारा जब किसके पास जाता है, उसी फर्म के पास चले जाता है या उसी कंपनी के पास चले जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेस। यानी इन दिस फेस इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी हम लोगों को जो इनकम मिला था, जो हम मजदूर को मिला था, इनकम रिसीव्ड बाय मतलब जो हमें, जो हम मजदूर हैं जो हमें मिला था, या सर जो मतलब किसको मिला था, जो जमीन के मालिक को मिला था इनकम, इज एक्सपेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द देम। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने जो पैसा कमाया, अगर उस पैसे को उसी चीज को पर खर्च कर देते हैं जिन चीजों को हमने बनाया था। अरे मैंने कहा ना, मैं जूते बनाने का एग्जांपल लिया था ना मैंने, कि हम में कि मजदूर जूते बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जब जो वो पैसा कमाता है और उस पैसे को कमाने के बाद दोबारा से वही खर्च कर देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेस। ठीक है सर, यानी कि जनरेशन फेस में क्या आता है कि हम गुड सर्विस बनाते हैं। डिस्पोजिशन फेस में क्या आता है कि हमने कंपनी में काम किया, कंपनी हमें क्या देगी, सैलरी देगी, ठीक है, पैसा देगी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आता है। और डिस्पोजिशन फेस में क्या आता है सर, इसमें ये आता है कि हमें जो इनकम मिली थी कंपनी से, हम उस पैसे को दोबारा से उन्हीं चीजों के ऊपर जब खर्च कर देते हैं, वो डिस्पोजिशन फेस का एग्जांपल है। प्यारे बच्चों, वैसे एक्चुअली तो ये जो मैं जूते बनाने वाला कंपनी का एग्जांपल तो छोटा एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होता है ना कि हमारे जहाँ पिताजी जिन जिन चीजों में हमारे पिताजी या माताजी लगे ही होते हैं, हम दोबारा से पैसे को उन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों ये आज के लिए आज की एक छोटी सी क्लास थी, छोटी सी कक्षा थी बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ इनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, चाहे बच्चा कोई हमारे पास पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता, कोई नहीं बेटा। ठीक है, ये सबके लिए मैं कोशिश करूंगा कि टाइम मिलते ही इनको मैं क्या करूंगा बेटा, मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सर आप लिखिए, कमेंट में लिखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, और हो सके तो अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, अपने सहेलियों से भी सर क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और बेटा अगली क्लास में आप इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम बेटा ब्रॉड टॉप बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में काफ़ी चीज़ें, पर वन बाय वन करूँगा। और मैं रोज आपके लिए बेटा एक एक लेक्चर्स, आप एक एक वीडियो रोज आपके लिए आया करेगा। ठीक है बेटा, तो आज इस चीज़ को देखो, वैसे तो आप ना अगर करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख भी सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आपके लिए जो नोट्स, ये नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है बेटा, तो आपने आज की वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल एक अगली क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।